सर्वस्तम एक ऋण बनू, तबरेज की मानित खाल खींचे, मंसूर की तरह सूली पे चढ़ा, मजनू की तरह रुसवा कर दे। ये शेर आ समझ में आ गया। पढ़ा आपने? पढ़ा भी मैंने, कितना पढ़ूंगा, कह रहे कितना पढ़ सकता है। मैंने कहा बोलो बस बताओ कि पढ़ना कितना है। कह रहे पर रात भर कब्रिस्तान नारा लगाया गया। अच्छा लगाया हमने मारे 3 महीने, पूरे 3 महीने लगा दिए। रोज जाता था मैं 10 बजे घर से निकल के, और सुबह फजर तक नारे लगाते रहते थे। पूरे कब्रिस्तान में कोई नहीं आता था, कब्रिस्तान वीरान हो गया था। फिर किसने रुकवाया? खुद ही बोले मैं, भाई तू तो पागल हो गया। तुझे और कोई काम नहीं है? फिर मेरे साथ ने मुझसे कहा छोड़ दे यार, छोड़ दे भाई, तू ये किसके चक्कर में आ गया तू, छोड़ दिया। क्या शेर था? तबरेज की तरह खा लीजिए, सरमस्त समय जिंद बनू, तबरेज की माने खाल खींचे, मंसूर की तरह सूली पे चढ़ा, और मजनू की तरह रुसवा कर दे। इससे आप के मामला में क्या तब्दीली आई है? पहले पागल हो गए थे, तुम पढ़ना शुरू नहीं कर सकते था। एक हालत या क्या कि मैं जुनून, हालत जुनून हो गई थी। लोग कहने लगे थे इसलिए पागल हो गया। लेकिन एक बात बता दूं मैं, रूहानियत ऐसी ऊद करती है इसमें कि बस संभालना मुश्किल है। इजाजत लेके किया जाता हूँ। हाँ, लेकिन बहुत खतरनाक शेर है ये, मामूली से लफ्ज नहीं है। मैंने उस्मान मियाँ को बताया, मैंने कहा मियाँ मैंने ये शेर पढ़ा है। मियाँ साहब लेटे हुए उठ के बैठ गए। अरे कहने के तुम पागल हो गए, अब तो नहीं पढ़ते? मैंने कहा नहीं, बहुत पहले पढ़ा था। कहने का नहीं बिल्कुल खबरदार, एक तस्वीर नहीं पढ़ाना चाहिए कभी। मार्फत बढ़ी जाती है, सही मायने में मार्फत का हकीकत पता चलती है। बस मैं आपको जज्ब का वो जज्बा देने के लिए मैं तो इससे मार्फत जैसे बढ़ी जाती है, तो हकीकत खुलती है क्या? देखो जो मार्फत की असल है ना जी, गोया तो देखा जाए तो लव मार्फत लोगों ने सुना है नाम, लेकिन जो इसकी हकीकत है ना, असल असल में मार्फत की हकीकत यह है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि मीम को आईना बना ले। क्या मीम को आईना बना ले? आईना बना ले और ऐन ज़ात को उस आईने में मुशाहिदा करे, और फिर ऐन ज़ात को उस आईने में मुशाहिदा करके उसकी तजल्लियात से खाक हो जाए।
और जब ये इसकी तजल्ली खाक करती है तो फिर उस खाक से जो कुछ नमूदार होता है वो बका होती है। ये है हमारे पास। मतलब लोग मार्फत 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 करते रहते हैं कि मार्फत क्या है, हकीकत मार्फत इन चार बातों का रिफ्स कि जिसने आपकी ज़ात मुबारक को आईना बनाया और उस आईने में उस तजल्लात का मुशाहिदा किया और फिर उस ज़ात का मुशाहिदे में वहीं वो फना हो जाए तजल्ली में, तो समझ लो बस उसका काम हो गया, नहीं तो कुछ नहीं। आपको सवाल पूछ रहे थे अंबिया अलैहिस्सलाम जी बोले ये मदारिज नबुव्वा में कि अंबिया जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए सिफातिया से तख्लीक हुए और बाकी मखलूक फेलिया से, और ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास इसमें ज़ात से, इस तरह का मतलब जुनूबा के हवाले से है। देखें तो इसकी थोड़ी सी कहते हैं कि रब ने चाहा कि मैं जाना चाहूँ तो ज़ात ने ना अहदियत पर तजल्ली फरमाई। क्या अहदियत? ज़ात ने अहदियत पर तजल्ली फरमाई जिससे बेहतर का भी ज़रूर हुआ वो आप। अब उसके बाद फिर कसरत है बेहतर के बाद, और वो कसरत इस्माए सिफातिया से है जो अंबिया है, फिर उस कसरत से अफ़ाल पैदा हुए जिससे मखलूक है। असल मंबा ज़ात की कोई पहचान नहीं, कोई पहचान नहीं ज़ात की, ना किसी का कदम आ सकता है। वही एक ज़ात है जिसने मुशाहिदा किया उस ज़ात का, बाकी जो कुछ कोई करेगा उसी ज़ात में उस ज़ात का मुशाहिदा करेगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक, कुलिया ही नहीं है ये। अफ़ाल में नज़र रखे, अफ़ाल की मार्फत अलग है, मार्फत की इकसाम है, मार्फत अफ़ाली। फिर मार्फत सफाती, फिर मार्फत हकीकत मोहम्मदी, अब हम तो अफ़ाली पे भी नहीं पूछते पूरी तरीके से। मार्फत अफ़ाली का बस एक छोटी सी बात है ये कि जो कुछ सादिर हो रहा है उधर से हो रहा है, अब अगर तुमने इसमें अपनी राय दे दी तो तुमने फहाश गलती कर दी। ये मार्फत अफ़ाली, अफ़ाल पर मुतरिज़ होना यह तो कल्ब से इसका ताल्लुक है जी, क्योंकि कल्ब में एतराज़ नहीं होना चाहिए, जाहिर तो शरीयत के मुताबिक रखेगा, जाहिर तो गुनाह को गुनाह कहेगा और नेकी को नेकी कहेगा, बिल्कुल गुनाह से मना करेगा नेकी की दावत देगा, बिल्कुल कहेगा। ये जाहिर शरीयत, इल्मुल अधियान का मकसद ये है ना, अव्वल शरीयत है, इल्मुल अधियान में अव्वल शरीयत आती है। शरीयत चूँकि अवामुन्नास को लगाम देने के लिए है,
میں نے وضاحت کرانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے بعض صوفیوں کو دیکھا تو ان کو تھوڑی بہت بات معلوم ہوئی تو کہہ رہے ہیں یار یہ سارے مذاہب ٹھیک ہی ہیں سب اسی کے افعال ہیں اور یہ بالکل نہیں بالکل نہیں ایسا بالکل نہیں ہے ایسا جا کر صوفی کب دیکھتا ہے صوفی اگر اس کو ابتدائی حال میں دیکھے گا تو گمراہ ہو جائے گا ابتدائی حال میں تفریق لازم ہے انتہائی حال میں تفریق ختم بھی ہو جاتی ہے کہ وہ تمام افعال سے گزر چکا ہوتا ہے اور اسماء صفات میں داخل ہو کر حقیقت ایمانی میں چلا جاتا ہے اور جب وہ حقیقت ایمانی میں چلا جاتا ہے تو اس کا ایمان جو ہے وہ پھر بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک لفظ یہ کیوں ہوا بس کام ختم کر دیتا ہے سارا آئی نا سمجھ بات وہ صوفی گمراہ ہیں جو ابتدائی حال میں یہ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سب صحیح ہیں سب صحیح ہیں تو پھر کلیاء الحق و ذحق الباطل کیا ہے انبیاء کیوں بھیجے پھر ساری باتیں آ جائیں گی کتابیں کیوں آئیں اب کلیاء الحق و ذحق الباطل تجھے یہاں وہی فرق کرنا ہے جو شریعت کہہ رہی ہے اور ایک مقام پر آن کر ہر غیر باطل ہو جاتا ہے حقیق رہ جاتا ہے اور جب حقیق رہ جاتا ہے تو پھر نہ کفر رہتا ہے نہ ایمان رہتا ہے تو ہمارے ہاں تصوف میں اور سلوک میں انتہائی خطرناک غلطیاں کی گئی ہیں جس کا نتیجہ لاکھوں صوفی گمراہ ہو گئے اور وہ گمراہ نہیں ہوئے گمراہ در گمراہ ہوتے چلے گئے حضرت بابا فرید الدین حضرت شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی شیطان کا تمسخر ہے شیطان جب چاہتا کھیل لیتا اس بڑا اگر علم الادیان میں دیکھا جائے نا دنیا میں تین علم ہیں چوتھا کوئی علم نہیں ہے پہلا علم علم الادیان دوسرا علم علم الابدان تیسرا علم علم الارضیان کائنات کا علم جسمانی علم اور ادھیان کا علم دین کا علم دین کے علم کو اول رکھا گیا ہے کہ یہ اول ہے یہ کیونکہ اس کے بغیر نہ علم الادھیان سمجھ میں آئے گا نہ علم الارضیان سمجھ میں آئے گا اچھا اب علم الادھیان کا سب سے پہلا سبق اول ہے وہ شریعت جتنی سینسیٹیو شریعت ہے نا اس سے 70 گنا زیادہ سینسیٹیو تصوف ہے شریعت میں گنجائش ہوتی ہے ایک ٹھیک کیوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا تصوف میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی تو علم تصوف جو ہے نا ہمارے یہاں مفقود کیوں ہوا ہمارے علم تصوف مفقود یوں ہوا
कि हमने ना इसको शरीयत से अलग करने की कोशिश की और ये पहले सलूक में नहीं की, जाहिल सूफियों ने की। वो तसव्वुफ को अपनी मर्जी से समझना चाहते थे और तसव्वुफ अपनी मर्जी से नहीं समझा जा सकता, ये सिर्फ सरकार आलम की ज़ात मुबारक के ज़रिए ही समझे जा सकता। तो जिन्होंने तसव्वुफ को अपनी मर्जी से समझना चाहा वो सारे के सारे गुमराह हो गए, जंदी हो गए, जिसका नतीजा बाहर तो जादूगर अंदर जंदीक। मैं वारदात में बड़े अच्छे जवाब से पूछा कि हजरत कि शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत क्या क्या चीज़ है, तो फरमाया शरीयत अफ़ाल मुस्तफ़ा का नाम है और तरीकत अफ़ाल मुस्तफ़ा का नाम है और मार्फत अहवाल मुस्तफ़ा का नाम है और हकीकत भी इसी तरह से कुछ आप वो बताया कि हज़रत हुसैन के खास राज असार हैं, उनका नाम जो है हकीकत है, तो सारा मर्जे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात में। तसव्वुफ का मर्जे ही आप हैं, अच्छा तसव्वुफ का मकसद आप क्यों चाह रहे हो तसव्वुफ हासिल करना? तकर्रुब इलल्लाह। और तकर्रुब इलल्लाह तो सरकार आलम में बगैर है भी नहीं, जब उनके बगैर मना कर दिया सारे रास्ते बंद है, सब उन्हें खुद बंद करे ना। ये तो सब जो है वह रफान अल्लाह का जिक्र ही गया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हुजूर के जिक्र की बुलंदी के लिए सुभान अल्लाह। इकबाल ने कहा ना मुस्तफ़ा ना रसीदी, बोला अच्छा शेर तमाम भूल है भी हस्त। जो आपके बगैर तसव्वुफ करेगा शैतान की तरफ जाएगा सीधा। शैतान ने सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से क्या कहा था कि जिस मकाम पर आप आ गए हो इस मकाम पर मैंने लाखों सूफियों को गुमराह कर दिया, क्या बड़ा कमाल बात है। सही, तो बात यही है हमने अपने बुजुर्गों के रास्ते छोड़ दिए। अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि देखो जाहिर कोई कितना बाकमाल हो, हमारे किसी मकसद का है नहीं, हमारे मकसद वो है जो हमें रास्ता दिखाता है, किसी के कमाल से हमें फायदा नहीं होगा। उस्मान मियां बैठे बेटा, उस्मान मियां इस बात में बड़े सख्त है कि किसी का क्या काम आ जाए, बोले बेटे छोड़ो बाहर अंदर दे। हाँ तन उजला मन मेला बगले जैसा भेस, हमसे तो काका भले अंदर बाहर एक। तो बगला जो है
एक टांग पे खड़ा रहता है जैसे कोई संत खड़ा हुआ, लेकिन होता क्या है कि चक्कर में मछली के जुगाड़ धोखा देने के लिए तो हम तो कौवा वाला कि ऊपर भी काला अंदर भी काला ही जैसा सा है कम से कम, ये बात आई ना समझ में बात बहुत। ये अगर देखा जाए तस्वीर जो है इतना बड़ा मौजू है, आप 10 साल चलते रहो इस पर बात करते रहो। अभी माशाल्लाह कम से कम हमारी कितनी शिस्त हो चुकी होंगी, 12 साल से हो रही है, 12 साल से चल रही है, अभी भी तस्वीर भी मौजू चल रहे हैं। और हर जुम्मे को एक नए मौजू के साथ तो सब को बर्बाद हो गई। और मजे की बात यह है पूरा तसव्वुफ सिर्फ 2 बातों पर, एक इखलाक और एक कैफियत, बस कैफियत बड़ी अजीब चीज है। आप ये कैफियत का अंदाजा तो आदमी को तब होता है कि जब उसको मौका मिले। हम तो ऐसे मशीन के पुर्जे बने हुए हैं कि अब ये पढ़ना है, ये लिखना है, उससे मिलना और ये काम करना है, ये हक अदा करना है, वो काम करना है, तो सोचने पे मियाँ कैफियत का जरूर होता है। कैफियत बड़ी अजीब चीज है, जब बंदा कैफियत बना के उठा आता है ना, ओहो अल्लाह इकबाल कहता है ना कि करती है दो आलम से बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये आज ऑपरेशन के बाद पहले निशिस्त है, तो अजब चीज है लज्जत आशनाई, तो बड़ी अजीब चीज है ये। जिसने कैफियत नहीं बनाई मजा नहीं आता। अरे कैफियत ये तो है जो जन्नत में लिए फिरती आदमी को, जो बोलो भंग भंगवा क्यों लगाते हैं, जो नेक भंग लगाए पहुंच गया जन्नत में, ये बात आसिफ भाई जगह देने पड़ेगी। आसिफ भाई जी मशीन आगे भी।